नमस्कार, जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीडियोस इन होराइजन के एनेक्डोट्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के शायद सबसे प्रसिद्ध और एक बहुत ही सफल निवेशक मिस्टर वॉरेन बफेट के जिंदगी के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत लोग जानते नहीं है। ये तो पता है कि मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत ही सफल निवेशक है, उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर है, लेकिन इन दोनों से बढ़ के उनका एक जो गुण है वो ये है कि खुद अपनी कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के बाद भी जो छोटे निवेशक है, छोटे शेयर होल्डर्स है, उनके हित को सबसे आगे रखते हैं। और बर्कशायर हैथवे जो कंपनियों में निवेश करती है वो कंपनियों से भी मिस्टर वॉरेन बफेट यही उम्मीद रखते हैं कि वो कंपनियां अपने छोटे शेयर होल्डर्स का हित सबसे ऊपर रखे। तो ये जो मुद्दा है उसको एक और जगह पे इतनी अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जाता, और ये जो मुद्दा है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन का वो कॉरपोरेट जगत में काफी चर्चा में रहा है। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन यानी कोई भी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट या तो टॉप मैनेजमेंट की अगर बात करें, उनके कंपनसेशन के विषय की बात हो रही है, उनकी सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, जो भी प्रकार से उनको फाइनेंशियल फायदे होते हैं या तो उनकी आय होती है। कोई इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका कंपनसेशन ज्यादा होता है या होना चाहिए। परंतु अगर उनका कंपनसेशन कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ अगर जुड़ा नहीं है तो सोचने वाली बात है। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो कंपनी का कैसा भी परफॉर्मेंस हो फिर भी अपना कंपनसेशन बढ़ा सकती है। जो सीनियर मैनेजमेंट है जो इतनी बड़ी कंपनी का संचालन कर रहे हैं, जाहिर है कि उनका कंपनसेशन ज्यादा होना चाहिए। परंतु अगर कंपनी अच्छी कर रही है और कंपनसेशन अच्छा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और उसके बाद भी कंपनसेशन बढ़ा जा रहा है तो सोचने वाली बात है, प्रश्न करने वाली बात है। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स, उनके हाथ में यह सत्ता होती है कि खुद का कंपनसेशन बढ़ा सके। और इस बात के ऊपर मिस्टर वॉरेन बफेट ये स्टैंड लेके बैठे हैं कि आपका कंपनसेशन कोई छोटे शेयर होल्डर को नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये बात आई कहां से होगी उनके मन में इतनी उत्तम भावना? हमारा मानना यह है कि मिस्टर वॉरेन बफेट के पिताजी हावर्ड बफेट, उनके पास से मिस्टर वॉरेन बफेट ने यह बात सीखी होगी। हावर्ड बफेट यूएस पार्लियामेंट में कांग्रेसमैन थे, यूएस सेनेट में कांग्रेसमैन थे, और उनके टर्म के दौरान एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट, और वो बिल के अंतर्गत सभी कांग्रेसमैन जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके कंपनसेशन बढ़ाने की बात थी, और उस बिल के ऊपर मिस्टर हावर्ड बफेट ने विरोध किया। मेरा कंपनसेशन जो है वो चुनाव के समय पे कोई भी आम कांग्रेसमैन का जो था उससे $1 भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा चुनाव जो हुआ है वो उन शर्तों के आधार पर हुआ है। आज मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उन शर्तों को मैं अपने फायदे के लिए बदल लूं। और ये ही बात मिस्टर वॉरेन बफेट अपने रेगुलर व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।